अलावा इसकी स्पेशलिटी लहसुन की चटनी है और ये दुबई की जो नहीं है वहाँ से ये रेसिपी ली है। अच्छा, क्योंकि मैं बाय पार्ट दुबई की हूँ तो वहाँ पर ये होती थी, लेकिन हमारे घर में ये स्पेशल चटनी बनती थी अमरूद की, तो ये उसके साथ ऐड करते थे क्योंकि जरा चीजी और यू नो जरा लाइट सा होता है और हम लोग स्पाइसी खाते थे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, फुल फिल्म मॉल होंगे, सीन क्या है, सीन फुल कर रहा है मैं, बारिश के फुल मौसम में चेक कर सकते हो। तुम्हारा भाई हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट में आ चुका है और क्या करने आया, किस लिए आया तुम्हें बताते हैं तफसील से। पहले तुम छोटा सा एक क्लिप देख जाओ। Music licensing reimagined. तुम्हारा भाई पहुंचा है भाई फूड स्ट्रीट पे, क्यों और किस लिए? आज इधर एक हमें वीडियो आई थी कि भाई पाव भाजी बहुत चल रहा है, इंडिया की डिश आ चुकी है यहाँ पर भी, तो हमने बोला अच्छा, हमने बोला हम क्यों दूर है, हम भी ट्राई करें भाई, तो तुम्हारा भाई आ चुका है तो ट्राई करने। पहले तुम इनका सारा सीन देखो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई लेडीज को लेते नहीं है। सीन ये कि लेडीज ने इधर मतलब निकाला ये पाव भाजी वगैरह ना, एक डिश मुनफरिद डिश निकाली है भाई पाव भाजी, तो ये लेडीज बना रही हैं और उनको तुम्हारा भाई ब्लॉग में तुम्हें पता लेता नहीं है, तो पहले तुम ये क्लिप देख के आओ फिर तुम्हारा भाई ट्राई करके बताया कैसा है कैसा नहीं है। तो पहले भाई इन्होंने ग्रीन चटनी की लेयर लगाई जो कि इनके घर की बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास की, फिर इन्होंने एक और चटनी की लेयर लगाई ये भी इनकी घर की बनी हुई है, फिर तीसरी सॉस भी इन्होंने लगाई और क्या बात है भाई, अलग ही लेवल का बनता जा रहा था। तुम्हारे भाई में के पेड़ में तो चूहे दौड़ रहे थे ऐसे कि क्या ही बताऊं। फिर ये इन्होंने कुछ और मसाले ऐड करे और ये मसाले देख के तो मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा, मगर इन्होंने बोला नहीं नहीं डरो मत, इसके बाद भी हम कुछ और डालेंगे। मैंने बोला बाबा बर्गर मिलने के खाली। फिर इन्होंने आलू के ये बटाटे डाले जिसको ये पाव भाजी कह रहे हैं और ये पाव भाजी की तरह ही है लगभग, और अच्छा था यार टेस्ट में। बाकी और तुम्हारा भाई आगे भी बताएगा। ये इन्होंने फोड़े और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे, ये इन्होंने कचौड़ी डाल दी मतलब पापड़ी डाली और भाई आउट क्लास। उसके बाद इन्होंने इस तरीके से इसको पैक करा, पैक करने के बाद का जो सीन है मालिक वो ये था, इन्होंने थोड़ा एक्सपेंस करके थोड़ा दबा दिया और इन्होंने इस तरीके से काट के ना फिर आपके भाई को सर्व करेंगी, और मतलब आउट क्लास लग रहा था यार, देखने में तो ना आउट क्लास लग रहा था, क्या ही बताऊँ, तुम लोग खुद देख के बताओ। और देख के ना पेड़ में चूहे दौड़ रहा, और ये दो सॉसेस दोबारा से इन्होंने डाल के दे दी, बोला आप खा के बताना। तो फाइनली हमारे पास इस तरीके से भाई आ चुका है ये पाव भाजी, समझ रहे हो, अभी हम खावा के बताएंगे तुम्हें कि कैसा है। ये अनस भाई भी हमारे साथ हैं, पहले मैं खाता हूँ फिर अनस भाई आपसे भी रिव्यू पूछेंगे। भाई इसमें तुम लोगों ने देख तो लिया वीडियो में क्या क्या डाला है, और ये घर की बनी हुई सॉसेज है सारी, मालिक है तो सही। अब इंडिया का हमने कभी खाया नहीं है मालिक, यहाँ का बेहतरीन है। अब तुम्हारे भाई ने ना थोड़ा मसाले वाला बनवाया, समझ लो बहुत आउट क्लास चीज है, कोल्ड ड्रिंक की जरूरत है क्योंकि मिर्चा लग रही है टायर वाली, सब जगह से धुएं निकल चुका है, तुम भी ट्राई करके बताओ मालिक। मेरे को तो बहुत मिर्चें लग रही है। हाँ मालिक क्या कह रहा है, कहाँ कहाँ से धुएं निकल रहे हैं? नहीं खाते तो हम भी तेज हैं, होशियारी नहीं कर रहे, मैं बचता हूँ तो निकल रहे धुएं सही है। क्या रैंकिंग क्या देना चाहोगे आप इसको? तेज में अच्छा है, तेज में अच्छा है, रैंकिंग क्या दोगे? मतलब 100 में से 80%, 10 of 8 भाई, 10 of 8 बोला। और एक और भी आइटम है उसका भी मैं तुम लोग क्लिप दिखा दूँ, पहले तुम वो क्लिप देख के और फिर वो आइटम भी ट्राई करके बता। चिकन चीज लावा है, इसमें चिकन होता है, वेजिटेबल्स होती है और सेंटर में चीज होती है, ठीक है। इसे हम इस तरह एग में डीप फ्राई करते हैं और फिर कॉर्नफ्लोर लगाते हैं, इसका ये होता है। इसकी स्पेशलिटी जो है वो ये रेड चटनी है जो के लहसुन की चटनी होती है, ये देखिए ये लहसुन की चटनी है, ये इसकी स्पेशलिटी है जी।
आप खाएं, टेस्ट करें, उसके बाद बताएं, बहुत पसंद आ रहा। तो भाई फाइनली हमें इस तरीके का इन्होंने बना के दे दिया। एक और आइटम लाया मैं अनस भाई तुम्हारे लिए ट्राई कराने के लिए, समझ रहे हो तुम्हारे को। और ये ट्राई करके तुम पहले बताओ कि है कैसा ये, समझ रहे हो। ये इन्होंने बटाटा टाइप बनाया भाई जी, इन्होंने वीडियो में तो बता दिया था, मालिक चेक करके बताओ। क्या बोल रहे हो, जल्दी चेक कर लो। ओफ माय गॉड, इतना गरम। देख ले बेटा लाल मिर्च है। डोंट वरी अबाउट इट ब्रो। ओह आई लाइक दिस। ओह ये क्या हो गया, डालो ना मुंह में डालो। तो बोलो ना मुंह से ठंडा कर ले। मालिक क्या बोल रहा है, दस में से जल्दी टक्कर दो आवाम को, देखो जेन्युइन रिव्यू देना है, समझ रहे हो, जो चीज है 90%। हाँ ले 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 भाई, 90% मतलब 10 में से 9। आप इसको क्या नाम दोगे? चिकन चीज लावा कहलाता है, चिकन चीज में। और हम तो बोलते हैं आलू भुका बटाटा, आलू के अंदर सिर्फ चिकन बनाने के लिए डाला। मतलब ये है मुनासिब है, टाइट है, मुनासिब रेटों पे, और चीज बहुत अच्छी है। जिन रेटों क्वालिटी के ऊपर है और जिन रेटों में अच्छी चीज है, मतलब मजा आया खाने में। बारिश के अंदर वैसे भी ठंडी ठंडी बारिश में तुम्हें मजा आई है, ठंडी बारिश में तुमने बोला कुछ चटपटा खिला दो, हमने इनको चटपटा खिला दिया, समझ रहे हो। और भाई जी तुम्हारा भाई इस तरीके से डाले की तुम लोग को पता है, अपन लेडीज वेडीज को लेते नहीं है भाई, ब्लॉग में शुगर मस्ती करते हैं, अपनी फैमिली वैमिली लेने वाला सीन नहीं है अपना, समझ रहे हो ना। भाई गाड़ी की आवाज बहुत बज रही है अभी, बाकी खाने के बाद मिलते हम बजेंगे, समझ रहे। ये जो है ना ये ये बहुत मिर्चो वाली है यार, ये रेड चिली कहते हैं इसको। अबे हालत बुरी कर रही है, मैं भी तुम्हें बाइट लेके दिखा देता हूँ भाई। भाई की भाई नो डाउट लोग बोलते हैं कि कराची में लेडीज नहीं काम कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये देख लो। और इनके लिए एक सेफ साइड होनी चाहिए, हाँ एक सेफ साइड होनी चाहिए ताकि काम कर सके। जो भाई लाल मिर्चे खा के फुल लाल हो चुके हैं, अब चाहिए पानी का आसरा, ये कोल्ड ड्रिंक का आसरा, समझ लो। और हुसैनाबाद पे क्या पिला रहे हो, असल में ये बताऊँ क्यों इतना अय्याश हो के बारिश के मजे ले रहा है, बताऊँ मैं आपको, बताऊँ मैं कहानी बताता हूँ। आज नींद की बेगम घर हैगी, और अगर है ना तो बेटा अभी बजे ना रात के 2, समझ लो। और इनकी चंबा कुटाई फुल होने वाली है, घर जाके ना समझ लो फुल चंबा कुटाई होने वाली है। सीधे ये बात नहीं आ रहे हैं, 2-2 बजे रात के हमें बारिश में बोलने कुछ चटपटा खिलाने जाओ, तो चटपटा खिला ही एंट्री में जो बनाया, ये फुल मजा आ गया, चटपटा खा के मजा आया नहीं, मुँह चटपटो थी वो आई है। अभी चप्पल खाने की नहीं है, घर पे जाने की नहीं है, तैयार हो। अभी इनकी धुनाई भी होगी क्योंकि शादीशुदा बंदे को अपने साथ लेके आना एक जंग के बराबर होता है मेरे भाई, ऐसी है मौत को दावत देना, मौत को दावत देना। तो अभी इनकी मौत को दावत होगी वायरल, समझ लो। अभी हम निकलते हैं घर की तरफ और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। इनके ठिए पे बेसिक आ चुका हूँ, और ये मैं आपको इनकी टाइमिंग भी बता देता हूँ और लोकेशन भी इनकी मैं बता देता हूँ कि किस जगह पे। तो आप ये लोकेशन थोड़ी सी गाइड कर देंगे, मेन स्ट्रीट है या बैंक अल्फाला के अपोजिट, कोयटा माशाल्लाह शनवारी उसके बिल्कुल अपोजिट हम लोग खड़े हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह आप लोग आए, अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। नहीं वाकई हमने जायका चेक करा है, बहुत जज़ाकअल्लाह। ये तो फैसला आपके हाथ में है, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है, ये तो आएंगे वो भी बताएंगे हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। जज़ाकअल्लाह भाई की टाइमिंग बता दें आप। टाइमिंग हमारी 8-2 अपना 9 बजे भी बच जाते हैं, 9 बजे भी हम लोग आते हैं, डिपेंड करता है। मंडे हम लोग ऑफ रखते हैं। अच्छा मंडे वाले दिन भाई ऑफ है, बाकी और दिन आप लोग आ सकते हो, आओ जरूर ट्राई करो। है हमारी 6 डेज हम लोग मौजूद होते हैं इंशाल्लाह, 8:30-9 बजे से रात 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, डिपेंड करता है काम के ऊपर। वैसे ही आप लोगों के पास आइडिया आया कहाँ से कि पाव भाजी? एक्चुअली जो है मेरी मिसेज जो है अपना दुबई में होती थी, दुबई बॉर्न है, उन्होंने बताया। अच्छा, फिर ये वहाँ की अरबिक है, ये आइटम जो अरबिक है, ये जो है अपना बड़ा पाव जो है, तो इंडियन है, इंडियन है बड़ा पाव, तो ये इंडियन है, इंडियन वो चिकन चीज लावा जो है वो अरबी का आइटम है, ये वड़ा पाव जो है ये बॉम्बे का आइटम, इंडियन। नो डाउट भाई आगे चेक करो, हम इंशाल्लाह ताला आगे भी मजीद चीजें लेकर और लाएंगे, आप लोग और लाएंगे, बहुत सी चीजें जो इंडिया के हवाले से है, पाव भाजी है अपना, 2-4 आइटम है हमारे जो अभी आपने सोचे, हरीसा है अरबी, तो
इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। आप लोगों का तावुन रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम लोगों का तावुन तो आपने लगा दो, पूरे बाकी आप लोग आओ भाई ट्राई करो, एक नई चीज है हुसैनाबाद से, नई चीज मुनफरिद तौर पे आई है पाव भाजी, और ये नियर मैरान एक्सप्रेस वो मैंने एड्रेस समझा दिया, तो जल्दी से आओ और चेक करो और बताना फिर भाई को कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ख्याल रखना अपना, बहुत सारा।